चार साल बीच में कोविड आया, उतार चढ़ाव आए, फिल्म बन रही थी, फिर रुक रही होगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल चार सालों का? क्योंकि तकलीफ भी हो रही होगी कि यार फिल्म क्यों नहीं जल्दी बन रही है, क्यों रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि एक्टर के लिए जरूरी है कि यार जल्दी से पर्दे पर आए फिल्म. तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? द फोर इयर्स दैट आई डिड नॉट, मतलब दो साल, बिकॉज डेढ़ दो साल तो हम काम ही कर रहे थे साथ में. आई थिंक हैव सम गुड पार्ट्स एंड हैव सम बैड पार्ट्स लाइक इन ऑल आवर लाइव्स बिकॉज ऑफ कोविड. एंड मेरे लिए भी वैसा ही था. तो एक दो साल मैं काम नहीं किया. आई वॉन्टेड टू बी विद द चिल्ड्रन. तो अच्छी बात यह थी कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ फर्स्ट हैंड देख सका, आर्यन को, सुहाना को, अब्राम को, एंड आई कुड स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. दूसरी अच्छी बात यह हुई कि मुझे लगा कि मेरी आखिरी फिल्म चली नहीं थी, तो लोग कह रहे थे अब मेरी फिल्में चलेंगी नहीं, तो मैंने ऑल्टरनेट बिजनेस सोचना शुरू कर दिया. मैंने खाना पकाना सीखा कि रेस्टोरेंट खोल लूँगा, उसका नाम रखूँगा रेड चिलीज फूड ईटरी. तो मैंने मैंने इटालियन खाना बनाना सीख लिया, तो वो अच्छा हो गया. अब क्या है कि मैं जब शूटिंग पे जाता हूँ तो सिद्धार्थ जो बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं, मैं फिर बताना चाहूँगा उनकी सारी बुराइयाँ आज मैं आपको बता दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था इनसे. सो ये इनको खाना बहुत अच्छा लगता है. आफ्टर 10 डेज ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई वर्क, लेकिन मैंने हर रोज इसको पिज्जा खिलाया सेट के ऊपर, तो उसने कहा चलो ठीक है बाकी फिल्म मैं इसके साथ कर लूंगा. सो ये अच्छी बातें हुई. बुरी बात में यही है कि घर बैठे रहे. अच्छी बात ये भी हुई कि मुझे जब मालूम पड़ा जॉन फिल्म कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया, एक हमने एंडोर्समेंट साथ में छोटी सी की थी. जॉन इज अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड. व्हेन आई केम टू मुंबई वी गॉट टू नो ईच अदर, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैड नॉट वर्क टुगेदर. एंड हमेशा ऐसा कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, बट आई रिक्वेस्टेड हिम, सिड रिक्वेस्टेड हिम, एंड इट वॉज वेरी काइंड. फिर मैं डर गया कि जॉन के साथ मुझे एक्टिंग करनी है तो बॉडी शॉडी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत. तो मैंने वर्कआउट किया जो जॉन ने भी मुझे काफ़ी सिखाया. सो हाँ, जॉन को तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ. दो चार सीन में मैं ऐसे किस भी करने वाला था, इतना करीब आ गया था उन्हें. और मैं बताना चाहूँगा कि जॉन ने भी ट्राई किया, ऐसे नहीं एक एक तरफा मोहब्बत है ये, उसने भी ट्राई किया. तो हम दोनों की बहुत मोहब्बत है. बट इट्स नाइस टू बी बैक. मैं जल्दी में कभी नहीं रहता कोई फिल्म ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा ये जेन्युइन डिज़ायर है. ये सिर्फ एक्टर की तरह नहीं बोल रहा, इंटरव्यू में नहीं बोल रहा, मेरी जेन्युइन डिज़ायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकूं. और जब मैं उसमें फेल होता हूं, किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है. तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं आप लोगों को खुशी बांट सका, और उन लोगों के से बांट सका जो मेरे बहुत ही करीब हैं, आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ, और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया. क्योंकि एज यू विल नोटिस द फिल्म इज़ अ वेरी बिग फिल्म, इट विल बी एन एक्सपेंसिव फिल्म, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग फिल्म, बट टू गेट मी एंड गिव मी अ चांस टू कम एट द टाइम व्हेन आई वाज इन वर्किंग एंड अलाउ मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, आई विल एवर एवर बी ग्रेटफुल टू आदित्य चोपड़ा एंड सिद्धार्थ एंड देन टू दीपिका ऑफकोर्स. मैं उसको ग्रेटफुल नहीं कहता, मोहब्बत कम हो जाती, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से टू बी पार्ट विद फ्रेंड्स एंड एन्जॉय दिस फिल्म. मैं वो चार साल भूल गया हूँ पिछले चार दिन के अंदर. दीज फोर डेज आर द हैप्पीएस्ट. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो लोगों ने पिक्चर देखी है. इसलिए शाहरुख चार साल की पुरानी बातें भूलकर ये सिर्फ चार दिन याद कर रहे हैं जो तकरीबन 500 करोड़ रुपए कमाने जा रही है. जोरदार तालियों चाहिए पूरी टीम के लिए, कमान. और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोग जो चाहे जयपुर में हो, इंदौर में हो, उज्जैन में हो, राजस्थान किसी कोने में हो या आंध्रा किसी कोने में हो, बधाई हो उन तमाम लोगों को. और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं